नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे किसी रेखा को निम्न भागों में कैसे बांटा जाता है। जैसे कि ये कोई रेखा है, उसको हमें 6 भागों में बांटना है, बराबर भागों में बांटना है, या 7 बराबर भागों में बांटना है, या 10 बराबर भागों में बांटने का प्रोसेस समझेंगे। क्योंकि यदि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया तो आप आगे के जो टॉपिक हैं, चाहे वो आपका साधारण मापनी हो चाहे विकर्ण मापनी हो, इन सभी में जो भी रेखाएं रहेंगी उनको आप बराबर भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा, दी गई रेखा को बराबर भागों में बांटना, ठीक है। उसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, प्रश्न एक, इसमें क्वेश्चन बन के आता है कि 100 मिलीमीटर लंबी रेखा को 100 मिलीमीटर लंबी रेखा को 6 बराबर भागों में बांटना, 6 बराबर भागों में बांटना। तो कैसे बांटेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका प्रोसीजर, ठीक है। तो आपका ये आ गया यहां पर आंसर। पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप रहेगा, जैसा कि आप एमडी देख रहे हैं, 100 मिलीमीटर लंबी एक रेखा को खींचेंगे। 100 मिलीमीटर का मतलब हो जाता है 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 10 मिलीमीटर, और 10 सेंटीमीटर में हो जाते हैं आपके 100 मिलीमीटर। तो सबसे पहले एक एबी रेखा खींची, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 10 है, यहां से ये दूरी आई आपकी 10, ठीक है। इसका नाम रख दिया आपने ये है आपकी ये, इसका नाम रख दिया अपने ए और बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए पर एक न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से कम का एक कोण खींचेंगे। तो क्या किया, इसको बेस माना, एमडी को ढीला किया और इसको किया यहां पर, तो ये आ गया आपकी यहां, हमने ले लिया यहां पर 30 डिग्री का एक कोण ले लिए। जितना आपको उचित लगे वो आप उतनी लाइन खींच सकते हैं। फिर पड़ताल में कोई दूरी ली और आपने क्या किया, यहां पर इस रेखा के 6 भाग कर दिए, जैसा कि हमने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया आपके 6 भाग कर दिए। शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसको हम यहां पर अलग से इंडिकेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग हो गए, 2, 4, 2, 6 भाग हो गए, ठीक है। इसको क्या किया, आखिरी वाले भाग को, तो आखिरी वाला भाग है, इसको बी से मिला दिया, इसको यहां पर आखिरी वाले भाग को और बी को यहां पर हमने मिलाया और एमडी को कर दिया टाइट। अब यहां पर एक लाइन खींची, ये आ गई। सेकंड हमने यहां पर ये खींची लाइन, थर्ड लाइन आपकी ये आ गई, फोर्थ ये आई, फाइव और सिक्स, ऐसे करके ये रेखा हमारी 6 भागों में बट गई। इसके नाम रख दीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसकी जो लंबाई थी वो यहां पर दर्शा दी आपके, यहां पर 100 mm, 100 mm
यह है इसका बनाने का तरीका। अब मान लीजिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि छोटी ड्राइंग थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे उसको बड़े आकार में फाइंड कर लेंगे। जैसा कि यहां पर 10 कहा इन्होंने, तो 10 को हमने क्या किया, इसको बना दिया, इसकी लंबाई हमने ले ली 10 से ज्यादा, लीजिए बड़े आकार में यहां पे आ गए, ठीक है। फिर यहां पर न्यून कोण बनाया, यह गया आपका 30 डिग्री का, और इसको हमने एंड तक ले गए। परपाल में कोई दूरी ली, जैसा कि ये परपाल है, इसमें कोई दूरी ली हमने, ये चौक है, और इसके करेंगे 6 भाग, कोई भी दूरी लेके, यहां से आ गया आपके 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया आपके 6 भाग, ठीक है। अब जो आखिरी वाला भाग है, इसको यहां पर मिला देंगे, एमबी को ढीला किया, आखिरी वाले भाग को हमने यहां पर मिलाया, लीजिए इसका मतलब ये सेट है। अब हमने एमबी को टाइट कर दिया, एमबी टाइट है, अब इसको स्लाइड करते हुए ले जाएंगे, सेकेंड लाइन पे आए, थर्ड पॉइंट पर 4 i, और ये आ गया आपके 6 पॉइंट पर। तो ये जो हमारी रेखा है AB, जिसकी लंबाई थी 100 mm, इसको हमने यहां पर बराबर 6 भागों में बांट दिया, ठीक है। आप इसके नाम रख दीजिए A, B, C, D, E, F, ये सब आपने स्मॉल में कर दिया, यहां आपने किया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रेखा को चाहे आपको 6 भाग में करना हो चाहे 7 भाग में करना हो, वहां पर आप कितने भी भाग में किसी भी रेखा को डिवाइड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। यदि ये तरीका आपको समझ में आ जाता है तो साधारण मापनी और विकर्ण मापनी जो कि आपके 10 नंबर की हैं, वो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।